नमस्कार, आप देख रहे हो NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई देते हुए कहा है कि दरभंगा में बनने वाले एम्स को दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस से हटाकर अशोक पेपर मिल स्थित कैंपस में से एक बड़े भूभाग को देकर एम्स के निर्माण का निर्माण लिया है। वहीं निर्णय के लिए दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस निर्णय से एम्स को भी एक बड़ा स्थान मिल जाएगा, साथ ही साथ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अस्तित्व भी बरकरार रह जाएगा। वहीं भोला यादव ने ये भी कहा है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक प्राचीन मेडिकल कॉलेज है, इसकी ख्याति पड़ोसी देश नेपाल तक फैली हुई है। बता दें आपको कि जिस तरह से भाजपा के लोग इसके अस्तित्व को समाप्त करना चाह रहे थे, तो वहीं इसे एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित करना चाह रहे थे, तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। भोला यादव ने कहा है कि मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जनमानस की भावना का आदर किया और जिसकी परिणति है कि अब एम्स एक ऐसे स्थान पर बनने जा रहा है जहां पर उसे एक बड़ा कैंपस भी मिलेगा, साथ ही साथ दरभंगा शहर का भी विस्तारीकरण होगा। वहीं राजद नेता भोला यादव ने कहा है कि महागठबंधन शुरू से ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को कायम रखने की मांग कर रहा था, साथ ही साथ एम्स का निर्माण शहर से बाहर बनाने की मांग उठा रहा था, उसी की परिणति है कि आज यह निर्णय हुआ है। मैंने भी कई बार इस बात को लेकर मीडिया के माध्यम से एवं पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की भी कोशिश किया था। हम लोगों को खुशी है कि हम लोगों की मांग पर दोनों नेताओं ने सकारात्मक निर्णय लिया है, साथ ही साथ इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सबसे खुशी की बात यह है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूर्ण अस्तित्व पहले से उज्जवल होगा और इसका भी विस्तारीकरण होगा। और क्या कुछ कह रहे हैं भोला यादव, आइए हम सुनें। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, दोनों हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं, सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और साधुवाद देता हूं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो अस्तित्व खत्म हो रहा था उसको बचाने की दिशा में बहुत बड़ा सराहनीय निर्णय लिए हैं। पहले जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही एम्स बनना था, उससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो रहा था, और जिस तरह से एक क्लिनिक होता है उस क्लिनिक का रूप दरभंगा मेडिकल कॉलेज का होते जा रहा था। इस दिशा में हम गठबंधन के साथी लोगों ने मिल करके कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा और उनसे आग्रह किया कि शहर से कहीं दूर अलग हट करके एम्स का निर्माण कराया जाए। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से अशोक पेपर मिल का जो ज़मीन है उसमें से एक बड़ा भूभाग एम्स को देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सब लोग हम लोग बधाई देते हैं। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति ही कर रही थी। यदि मेरा मानना, यदि एम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पूरे देश में जितना एम्स बना है वो ज़मीन एक्वायर करके बना है, किसी पुराने मेडिकल कॉलेज को ख़त्म करके एम्स नहीं बना है। ये पहला दरभंगा एक पहला उदाहरण था जहां पर कि एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को समाप्त करके दूसरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की बात हो रही थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है, उस मिथक को तोड़ दिया है। और हम समझते हैं यदि भारत सरकार की मंशा है एम्स बनाने का तो भूभाग दे दिया गया है, जल्द बना दो।
तो आपने सुना भोला यादव ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।